तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैं छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा आपका, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं लास्ट क्वेश्चन में अब इसीलिए नहीं किया है क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, ये जो कर्व है ये स्टैंडर्ड कर्व है, y इजिकल्स टू एक्स क्यूब वाला कर्व है। अब y इजिकल्स टू एक्स क्यूब पे मुझे आपका किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल मानना था, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इस पॉइंट को अज्यूम किया था हम लोगों ने x1, y1। अभी x1 और y1 दो वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। पहली इक्वेशन है आपका क्या, कर्व लाइज ऑन कर्व, यहाँ से पहली इक्वेशन पड़ी थी, और दूसरी आपका क्या है, लाइन की इक्वेशन। तो दो वेरिएबल्स आएंगे तो दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो इसी पार्ट को थोड़ा सा और शॉर्ट बनाने के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस करते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करते हैं, हम उस कर्व के ऊपर डायरेक्टली कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व ले लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे मैं बोलूँ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया टी और टी क्यूब, तो टी कोमा टी क्यूब उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो टी कोमा टी क्यूब उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे एक वेरिएबल टी की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, एक वेरिएबल टी की टर्म्स में आ जाएगी। तो इस केस में मेरे को वो वेरिएबल फाइंड करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, पहले वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो सम स्टैंडर्ड पैरामीटर जो जो हम लोग को एज्यूम करने हैं, मैं बता देता हूँ आपका, सम स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। सम स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व। अब कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स होंगे जिसमें हम पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल के डायरेक्टली हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 स्टेप हम लोग बचा सकते हैं इक्वेशन में। जैसे हम लोगों ने देखा था वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब टी कोमा टी क्यूब मान लो, मतलब टी कोमा टी क्यूब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो क्या आपका इजी था, मान लो जैसे मान लो कोई कर्व ऐसे दे दिया आपका x2 = y³। अब इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन माननी है, तो इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन को मानने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपका क्या सिंगल सिंगल टाइप के, मतलब मान लो आपका क्या एक ही टाइप के ऐसे आ जाए, तो उस केस में किसी एक को मान लो इनकी पावर इंटरचेंज कर दो, तो मतलब t³ और t² इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कैसे आप रख के देखोगे, t³ का होल स्क्वायर ये क्या जाएगा आपकी t⁻⁶, और t² का होल क्यूब ये आपका क्या जाएगा t⁻⁶। उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली आपका क्या t³ और t² पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो। जैसे और एग्जांपल के लिए मैं दूं, x⁸ = y⁵, तो इनडायरेक्टली मैं इनकी पावर इंटरचेंज कर दूं आपका t⁵ और t⁸, ये आपके क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब यूजुअली इतने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं मिलती इक्वेशन, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम करो ऐसा बन जाए इक्वेशन, y⁵ की होल क्यूब = 8, या फिर y⁵ का होल स्क्वायर = 8x³, या y⁵ की होल क्यूब बन लेता हूँ मैं, = आपका क्या 8x⁴ आ। अब इस केस में मेरे को करना है, तो 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 2 की होल क्यूब x⁴। अब इसके साथ तो क्लब नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 है तो ये इसके साथ क्लब हो सकता है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, y⁵ 2 की होल क्यूब = ये x⁴। इनडायरेक्टली कैपिटल वाई की होल क्यूब इजिकल्स टू कैपिटल x⁴ हो जाएगी। तो इसके ऊपर पैरामीटर मानूंगा तो क्या जाएगा आपका, बन जाएगा आपका t³ और t⁴। अब ये जो टी है ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी t³, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी t⁴। अब t⁴ मतलब वाई की वैल्यू आपकी क्या है, y⁵5/2, तो इनडायरेक्टली वाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2t⁴+5। तो मैं इसके बोल सकता हूँ इसके कैरेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे आपके पास t³, और आपका क्या बन जाएगा आपका 2t⁴ + 5, डायरेक्टली एक इक्वेशन के फॉर्म में मान सकता हूँ। लेट्स अज्यूम करो मेरे पास इक्वेशन मान लो ये दे रखी है आपकी 2x + 3y = 5 ऐसे दे रखी है, तो इसके पैरामीटर मानना है, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने बोल लिया टी, तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं मानूंगा 5 - 2t/3।
इस टाइप से मैं मान के एक ही वेरिएबल में इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे को सोल्व करना कंपेरेटिवली आसान हो जाए। अब ये तो क्या थे आपके, इजी टाइप वाले थे। अब मान लो, कर्व मान लो ऐसा दे दिया आपका, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज टू वन। इस केस में क्या करूंगा, तो वही करना आपको, सिंपल एक वेरिएबल को उधर ले लो, दूसरे तरफ को उधर ले लो। तो इसको बोल सकता हूँ आपका वाई क्यूब इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ एक्स की पावर माइनस टू। अब पावर का इंटरचेंज कर दो, पावर का इंटरचेंज कर दो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट टी क्यूब और वाई कोऑर्डिनेट आपका है टी की पावर माइनस टू, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। और पूछ लिया जैसे एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 7 इज इक्वल टू ए की पावर 12। अब कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा स्टैंडर्ड, जिसमें पैरामीटर हम मान पाएंगे, वरना फिर पैरामेट्रिक नहीं पड़ेगी, फिर तो प्रॉपर तरीका ही बनेगा। अब 5 + 7 12 है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स अपॉन ए की पावर 5 इंटू वाई अपॉन ए की पावर 7 इज इक्वल टू 1। तो इसको बोल सकता हूँ कैपिटल एक्स की पावर 5 कैपिटल वाई की पावर 7 इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल वाई की पावर 7 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की पावर 5, तो इसके पैरामेट्रिक एक्स की पावर -5, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पावर इंटरचेंज कर दो तो टी की पावर आपकी क्या जाएगी 7 और टी की पावर -5। लेकिन ये तो इसके लिए है, ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है। तो इस केस में कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, इसकी वैल्यू आपकी क्या है टी की पावर 7। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी ए टी की पावर 7, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगी टी की पावर -5। तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी ए अपॉन टी की पावर 5, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे ए टी की पावर 7 अपॉन ए इंटू टी की पावर 5। आया समझ में कंसेप्ट सबको, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रिज्यूम करने वालों। मान लो करो ऐसा दे दिया, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। तो इस केस में मुझे पैरामेट्रिक माननी है, तो रूट रूट है तो रूट ए का डिवाइड कर दूं, तो रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। अब मुझे पता है किसी भी पावर, ये 1 कब बनता है आपका पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है। तो इस केस में मतलब एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स अपॉन ए का मतलब रूट एक्स अपॉन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी ए कॉस की पावर 4 थीटा, और वाई की वैल्यू क्या जाएगी ए साइन की पावर 4 थीटा। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में बोल सकता हूँ ए कॉस की पावर 4 थीटा और ए साइन की पावर 4 थीटा। अब थीटा यहाँ पे पैरामीटर हो गया, एक पैरामीटर को मैं इजीली सोल्व करके मैं उसका आंसर निकाल सकता हूँ। मान लो थोड़ा और घुमा दिया स्क्वायर को, ऐसा बना दिया एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए के पावर 2/3। तो सेम कंसेप्ट से बोल सकता हूँ एक्स अपॉन ए के पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन ए की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये है कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 की वैल्यू चाहिए मुझे कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स अपॉन ए की पावर, मतलब 3/2 करूंगा तो क्या जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। तो मतलब इनडायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या जाएगी ए कॉस क्यूब थीटा, और वाई की वैल्यू क्या जाएगी ए साइन क्यूब थीटा। तो ये आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सिर्फ एक पैरामीटर थीटा के टर्म्स में हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली आंसर निकाल पाऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगा। आया समझ में कंसेप्ट सबको, पैरामेट्रिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। Sir, I have a doubt. So, even in the previous question where you solved root of x plus root of y to the root of a, why can't we just bring a to the left side of the equation and take x by a s t and solve it as a t power half comma b t power half? देखो मुझे ऐसा करना है, एक पैरामीटर क्यों मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इजी बनाना है। लेट्स अज्यूम करो मैंने x1, y1 अपने इस पॉइंट से लिखा, तो मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, मतलब मैं इसकी इम्पोर्टेंस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन सेव करता है। यहाँ पे दो पैरामीटर, दो वेरिएबल है, एक x1 वेरिएबल, एक y1 वेरिएबल है। क्योंकि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो चेन कंडीशन चाहिएगी, पॉइंट चाहिए होगा स्लोप चाहिए होगी। तो पॉइंट निकालने के लिए मुझे दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और स्लोप निकालने चाहिए, तो मतलब मेरे पास इनडायरेक्टली तीन चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने मान लिया सिर्फ उसको थीटा के टर्म्स में, तो मुझे थीटा निकालना है और पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन तो मुझे डायरेक्टली आता ही है,
तो मेरे लिए कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा सोल्व करना क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये कंसेप्ट. But why is it a? I mean, why is the parametric form a cos theta comma a sin? Instead of that, why can't we have it as a t, like the form? A t वो नहीं, वो देखो वो डिपेंड करेगा ना, वो आपका वो अलग चीज थी, वो प्रोडक्ट में थी, ये जो उस कंडीशन थे ना ये प्रोडक्ट में थी. अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया क्या आपकी? Yeah, it has started. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल की बताई थी, x square plus y square is equals to a square, ये सर्कल की इक्वेशन है. इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम क्या मानते हैं, ए कोस थीटा ए साइन थीटा. रीजन क्योंकि ये प्लस में है, हाइपरबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या मानते थे, ए सेक थीटा और ए टेन थीटा मानते थे. रीजन क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करती है. लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देता हूँ, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इस केस में मैं सी टी और सी बाई टी मानता हूँ. सी टी सी बाई टू क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों सम और उसमें है, तो मैं पैरामीटर ऐसा मानूंगा कि वो हर कंडीशन पे उसको सेटिस्फाई करे. ठीक है, और ये अभी आप 2D ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें और ज्यादा बेटर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका हर कर्व के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन बताई गई है आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये नॉट में इसको एज ए ट्रिक यूज करना, और ये एप्लीकेबल होती है हर टाइप के क्वेश्चंस में, हमेशा एप्लीकेबल होती है. लेट ए पॉलीनोमियल इक्वेशन एल्जेब्रिक फंक्शन, लेट ए पॉलीनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन passes through origin. Srishti, आप आज भी लेट हो? Yes sir. Meeting चल रही है. Meeting चल रही है. Okay, कोई issue नहीं. ठीक है. Let a polynomial algebraic function passes through origin. Then, equation of tangent to curve to this curve. To this curve at origin can be obtained directly by equating the least degree term present in equation is equal to zero. मतलब वो 2 degree curve, 3 degree curve, 4 degree, मतलब indirectly algebraic equations जो origin से pass कर रही है, origin से pass कर रही है मतलब x equals to zero और y equals to zero उसको satisfy कर रहे हैं, मतलब आपका क्या है, constant term नहीं होनी चाहिए, सिर्फ variable की terms में होनी चाहिए. तो ऐसे केस में ओरिजिन पॉइंट पे सिर्फ मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँ, जो लीस्ट डिग्री आपकी टर्म्स होगी उनको जीरो के इक्वेट करके हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल से मैं प्रूव करता हूँ, जैसे ये सर्किल दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे ये जो कर्व है इसको जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कर्व है आपका ओरिजिन से पास हो रहा है. अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, मैं लीस्ट डिग्री टर्म, ये आपकी क्या है लीस्ट डिग्री टर्म, क्योंकि ये 2 degree, ये 2 degree, ये 1 degree, 1 degree, तो ये लीस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू जीरो. तो मैं क्या करूँ, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टू एक्स प्लस सिक्स वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी. कैसे है मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ. अभी प्रूफ करते हैं. सर्किल में मैंने आपको बताया था ये सर्किल है जिसका सेंटर आपका बोल दिया 2.3 है, और रेडियस की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ √30. तो ये कुछ इस पैटर्न का सर्किल होगा. अब मुझे ओरिजिन पे टेंजेंट निकालनी है, ओरिजिन पे टेंजेंट मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो पॉइंट तो आ गया, तो मैं इक्वेशन बोल सकता हूँ y माइनस जीरो इज इक्वल टू m इनटू x माइनस जीरो,
तो y इक्वल्स टू mx हो गया। अब m के लिए मैं क्या करूँ, dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालूँ तो इसको करूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपका क्या है 2x, y स्क्वायर का 2y इंटू dy by dx माइनस 4 माइनस 3y 6y dy by dx इक्वल्स टू 0। अब dy by dx की दोनों टर्म्स हम एक साथ लिख लो, dy by dx की ये टर्म्स है, तो मैं बोल सकता हूँ 2y माइनस 6 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 6। अब मुझे निकालना है m, m मतलब dy by dx एट ओरिजिन 0,0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 6 मतलब माइनस 4/6 इनडायरेक्टली माइनस 2/3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू एक्स मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी सेम है। अब ये तो क्या है आपका बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसका कर्व का मुझे पता है, इसमें निकालना मेरे लिए फिर भी कंपेरेटिवली आसान, इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन कई कर्व ऐसे होंगे जिनका मुझे ग्राफ नहीं ड्रॉ करना आता, तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ इसका, आप फटाफट आंसर दे सकते हो। जैसे आपका क्या बोलूँ, फोर कर्व एक्स की पावर 4 माइनस 8y³ माइनस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब क्लियरली देख रहे हो ये जो कर्व है ओरिजिन से पास कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ट्रिक से मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये 4 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो जितने लीस्ट डिग्री है उनको इक्वेट 0 0 माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई कॉमन ले लिया और आपका क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो कितनी टेंजेंट बनेगी, दो टेंजेंट होंगे, एक वाई इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये जो कर्व है, इस कर्व का जो ग्राफ है, ये एक तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का ग्राफ हमें खींचना ड्रॉ करना आता नहीं, इतना ईजिली नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर कर्व स्केचिंग की जरूरत पड़ेगी। कर्व स्केचिंग इतना डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्व स्केचिंग या डिफिकल्ट टाइप के कर्व यूजुअली जेई एडवांस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, पीजीडीपी में इतना डिटेल में नहीं जाएगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें पूछेगा, तो कोई मीनिंग नहीं है इस टाइप की चीजें जानने का। फिर भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आ गए गलती से, यदि तो आप डायरेक्टली कैसे सोल्व करोगे। अब ये जो इक्वेशन है इसका कर्व बनाओगे तो इसका कर्व एक्चुअली कुछ इस पैटर्न का कर्व बनेगा, ये उस इस पर्टिकुलर पैटर्न का कर्व, बस इस पर्टिकुलर पैटर्न का कर्व बनेगा। तो इस केस में दो टेंजेंट होगी ओरिजिन पे, एक तो ये टेंजेंट हो जाएगी, ये जो टेंजेंट होगी वाई इजिकल्स टू आपकी क्या होगी, आपकी माइनस एक्स होगी, और दूसरी आपकी क्या है वाई इजिकल्स टू 0 मतलब ये लाइन उसको टच करते हुए निकलेगी, कुछ इस पैटर्न की कर्व होगी। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया है आपको, इतना डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप की चीजें तुम्हारे काम की भी नहीं, इतना ही पूछे जाएंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आप निकालोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें कंपेरेटिवली टाइम लगेगा। ये जो मान लो यदि क्वेश्चन है, यदि कंडीशन याद है, तो विद इन आप 10 to 15 सेकंड कर दोगे, जबकि आप प्रॉपर तरीके से कर करोगे तो हो सकता है 1.5 मिनट या 2 मिनट्स भी आप ले लो, तो बस ये टाइम सेव करता है आपको। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था, ये फंक्शन देख करके कैसे बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं? पॉलिनोमियल जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं वो सारे डिफरेंटेबल हैं। डिफरेंटेबल कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे मुझे डाउट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, या फिर डिसकंटिन्यूस डिनोमिनेटर को 0 आ रहा है, या रूट टाइप की ऐसी चीज आ रही है, तो वहाँ पे आपका क्या है डिसकंटिन्यूस होगा या फिर नॉन डिफरेंटेबल होगा, बाकी सब जगह पे मैं डिफरेंटेबल ही मानूंगा। ओके।
ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो तो बीच में डिस्कंटिन्यूअस भी होगा, और हाँ, जहाँ पे जिस पॉइंट पे जैसे मान लो ऐसे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स दे दिया, तो साइन एक्स जहाँ जहाँ पे इंटीजर बनेगा उन पॉइंट्स पे आपका क्या डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस मतलब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है मतलब नॉन डिफरेंटेबल। ओके, बट जहाँ पे कॉर्नर्स आते हैं वहां पे भी तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, हाँ तो कॉर्नर्स मतलब कॉर्नर्स और जैसे आएगा, मॉड मॉड एक्स के केस में हाँ एक्स इक्वल वो तो जीरो। अलग चीज हो जाएगी ना। मतलब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जितने भी एलजेब्रिक फंक्शन है, एक रूल याद रखना, ऑल एलजेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंटेबल इन देयर डोमेन, जितने भी एलजेब्रिक फंक्शंस है। अब मॉडुलस फंक्शन आपका क्या डिफरेंट, वो एलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, वो आपका क्या अलग फंक्शन है, ठीक है। बाकी और ज्यादा बेटर क्लियर होगा जब हम कंटिन्यूटी डिफेंडेबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहां पे एक बार छोटे छोटे कंसेप्ट वापस से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, यस, थैंक ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड नॉर्मलिटी। ये एक्चुअली 2D में पढ़ भी 2D में भी पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। अब यदि स्टैंडर्ड कर्व दे रखे हैं, स्टैंडर्ड कर्व दे रखे हैं तो उस केस में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं 2D के कर्व में, 2D में होते हैं। जैसे याद करो मैंने सर्किल के लिए बताया था, सर्किल के लिए मैंने बोला था इफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो याद है कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, याद है किसी को? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं डायरेक्टली मैंने बताई थी आपकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मान लो ये पैराबोला दे रखा है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, तो इस केस में सी इज इक्वल टू ए बाई एम होती है, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम हो जाएगी। और दे रखा है आपका हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, या इलिप्स दे रखा है, तो उनके केस में भी आपके क्या स्पेसिफिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या फिर कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी आएगी। तो ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या नॉर्मलिटी, स्टैंडर्ड कर्व है वो तो आप सारी चीजें में जान लोगे 2D में। लेकिन मान लो नॉन स्टैंडर्ड कर्व है, नॉन स्टैंडर्ड कर्व मतलब 2D के अलावा 3D कर्व दे दिया, फिर ऐसा कुछ दे दिया उल्टा पुल्टा दे दिया, तो उस केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछ ले, ये पूछा जा सकता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने वाला। तो इस केस में कैसे करेंगे, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से भी बता रहा हूँ, स्टेप भी साथ साथ में बताएंगे। क्वेश्चन जैसे दे दिया आपका फाइंड कंडीशन, टेंजेंट हो या नॉर्मल दोनों के लिए सेम ही कंडीशंस रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। फाइंड कंडीशन इफ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए नॉर्मल टू कर्व एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इस केस में स्टेप वन हमेशा क्या करना होता है, अज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व हमेशा स्टैंडर्ड होगा जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसका मैंने बताया ही आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 की होल क्यूब, तो एक्स अपॉन 2 और वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, वाई इसको बोल सकता हूँ कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस 1। तो पावर चेंज करने मैंने बोला था, पावर चेंज करने बोला था मैंने बोला था, तो डायरेक्टली बताओ क्या क्या आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर, वाई का कोऑर्डिनेट टी की पावर माइनस 1। अब एक्स किसको बोला है, एक्स अपॉन 2, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर है, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका 2t² एंड 2 अपॉन t, यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ रहा है सबका।
सेकंड स्टेप, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट पूछिए तो टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछिए तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी पूछिए तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे टेंजेंट नॉर्मल निकालने का तरीका मैंने बताया था, वाई माइनस वाई वन, मतलब वाई माइनस टू बाई टी इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस टू टी स्क्वायर। तो अब उस केस में एम निकालना है, तो करो आपका एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है, एट है, तो इसको कर देते हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स इंटू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे, आप मैं बोलूंगा आपका तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। वाई से आपका क्या हो जाएगा, आपका वाई कैंसिल, वाई इक्वल्स टू जीरो हो नहीं सकता है। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने, सही कर रहा हूँ ना? ठीक, अब बचा कौन सा पॉइंट आपका, माइनस वाई अपॉन टू एक्स, मुझे डी वाई बाई डी एक्स है तो एम निकालना है। ये आपका क्या है, एम टेंजेंट, ये एम टेंजेंट है ओके। तो एम नॉर्मल निकालनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगी। अब उस पॉइंट पी पे रखूंगा तो आपका क्या है, टू एक्स की वैल्यू क्या था आपका, टू टी स्क्वायर अपॉन वाई का मतलब आपका क्या है, टू बाई टी, टू से आपका क्या टू कैंसिल, तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगी आपकी टू की। यही आ रहा सबका स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूंगा, वाई माइनस टू बाई टी इज इक्वल टू टू टी क्यूब इंटू एक्स माइनस टू टी स्क्वायर, ये निकालते हैं। स्टेप थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश नॉर्मल इन गिवन लाइन फॉर्म। एंड कंपेयर इट, एंड एलिमिनेट ऑल पैरामीटर्स। दिस एलिमिनेशन विल गिव्स द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अब इसको मैं क्या कन्वर्ट करूं से इसमें, तो वाई इज इक्वल टू टू टी क्यूब एक्स माइनस टू टी की पावर फाइव प्लस टू बाई टी। इसको कंपेयर कर दिया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो कंपेयर करने से मुझे मिलेगा एम की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टू टी क्यूब, और सी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, माइनस टू टी की पावर फाइव प्लस टू बाई टी। अब मुझे क्या करना है, पैरामीटर को लिमिट करना है, तो पैरामीटर आपका क्या है, आपका टी है, तो टी एलिमिनेट करने के लिए टी क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, एम बाई टू, तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, एम अपॉन टू की पावर वन बाई थ्री। तो वैल्यू रखूंगा तो सी इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू एम बाई टू की पावर फाइव बाई टू प्लस टू इंटू एम बाई टू की पावर टू अपॉन एम बाई टू की पावर वन बाई थ्री, ये आपका सॉरी फाइव बाई थ्री हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो सी एम बाई टू की पावर वन बाई थ्री माई इज इक्वल टू माइनस टू एम बाई टू की पावर सिक्स बाई थ्री, मतलब एम बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू। इसको सिंप्लीफाई करके जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है, यही आपके क्या कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी है।
आया कंसेप्ट समझ में आपको? क्लियर है? इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन यही पूछ लेगा, फाइंड कंडीशन फॉर व्हिच दिस लाइन y = mx इज लाइन टू टेंजेंट बोल दे या नॉर्मल बोल दे, उसमें चार ऑप्शन दे देगा ऐसे। जैसे सर्किल के केस में बनता है ना डायरेक्टली के c square = a square 1 plus a square m square, c square = a square minus a square m square, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। चार ऑप्शन इस टाइप से दे के आंसर निकाल लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टेंजेंट नॉर्मल की। प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप 2D में भी करोगे। कैसे दे सकता है आपका क्वेश्चन, जैसे मान लिया आपका प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन, प्रूव दैट नहीं देगा वो, क्या पूछ लेगा आपका इंटरसेप्टेड पोर्शन। प्रूव दैट के बजाय ऐसा बोल सकता है, प्रूव दैट के इनडायरेक्टली अलग फॉर्म में बोल सकता है, प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3 बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। इस ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो इसके क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस बाय द टेंजेंट टू द कर्व। इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने प्रूव दैट में क्यों दिया है, जिससे आपको रिलेट कर सकूं मैं इसमें। अब ऐसे केस में क्या करूं, ये कर्व है, अब इस कर्व का मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा टेंजेंट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ग्राफ की जरूरत नहीं है, इस कर्व को स्केच करने की जरूरत नहीं है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अज्यूम करो रफली कुछ इस पैटर्न का कर्व, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। वैसे ये आपका कार्डियोइड की होती है इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होती, लेकिन इतना डिटेल में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेट अज्यूम करो कुछ भी कर्व है, अब उसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसके ऊपर हमने क्या खींची, टेंजेंट खींची। तो टेंजेंट है ये, कोई पॉइंट P है, ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को x एक्सिस को A पे और y एक्सिस को B पे मिलती है। तो मुझे क्या प्रूव करनी है, जो AB है उसकी लेंथ आपकी कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, AB की लेंथ पूछवाएगा, वो क्या पूछ सकता है, फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वही तरीका आपका, सबसे पहले इसके ऊपर यदि पॉइंट x1, y1 मान लिया, तो x1, y1 मानूंगा तो टेंजेंट की इक्वेशन में आपके पास दो पैरामीटर, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए एक अल्टरनेट मैंने बताया था आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूँ, लेट पी मान सकता हूँ, लेट पी इस कर्व के मैंने स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताया था, क्या था आपका ए कॉस क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा, ये मैंने क्या मान लिया इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया। अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पे टेंजेंट की इक्वेशन y - y1 मतलब y - a sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू m, m तो स्लोप होती है x - a cos क्यूब थीटा। अब मुझे m निकालना है, तो m के लिए क्या करूँ, m की वैल्यू क्या जाएगी dy/dx, dy/dx मैंने पढ़ा है आपका dy/dθ डिवाइड बाई dx/dθ। तो a sin क्यूब का क्या जाएगा, सबसे पहले 3 sin² थीटा और फिर sin थीटा का क्या जाएगा आपका cos थीटा।
अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा का क्या जाएगा आपका, 3 cos² थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या जाएगा आपका, -sin थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ए से ए कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, साइन से 1 साइन कैंसिल, कॉस से 1 कॉस कैंसिल। तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगी -tan थीटा, या फिर -sin/cos ही रख लो क्योंकि बाद में सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू रख दूंगा तो क्या बन जाएगी, y-a sin³θ इक्वल्स टू -sin θ अपॉन cos θ इंटू x-a cos³θ। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ए बी निकालना है। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए मुझे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, लेकिन ए और बी के लिए मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बोलूँ 4 पॉइंट ए, ए कहाँ पे है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। तो वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -a sin³θ इक्वल्स टू -a sin θ अपॉन cos θ इंटू x-a cos³θ। माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, sin³ से sin कैंसिल, तो मतलब बचेगा sin²θ। तो इनडायरेक्टली क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, sin²θ cos θ। ये कुछ मिस्टेक किए क्या हमने, ए कैंसिल नहीं, ए कैंसिल नहीं होगा, हाँ ए बचेगा, ए sin²θ cos θ प्लस a cos³θ। तो इससे मैं कॉमन लूंगा तो एक्स में कॉमन ले लूंगा, ए कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, sin²θ + cos²θ। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, बार मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, a cos θ। मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा आपका, a cos θ, आपका 0। सिमिलरली सेम कंसेप्ट से, सेम कंसेप्ट से आप निकालोगे सिमिलरली 4 पॉइंट b, उसके लिए क्या आपका वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे मतलब आपका क्या है, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू 0 है तो रखूंगा, तो इस केस में बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 a sin θ आ जाएंगे। अब मुझे निकालनी है ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं बोल सकता हूँ a cos θ - 0 मतलब a² cos²θ प्लस 0 - 1 sin θ मतलब a² sin²θ। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos²θ + sin²θ 1, मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, और यही क्या होगी आपकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो इस केस में वो आंसर क्या दे देगा आपका, a² 2a² इस टाइप से ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यूजुअली। ये आज जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक के क्वेश्चंस मेनली आपका क्या है, एडवांस में ही पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं क्योंकि ये कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि मेंस में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है लेकिन एडवांस में थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला आता है। पीजीडी भी एज सच इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पीजीडी में जितने भी आप 5-6 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। लेकिन फिर भी यदि गलती से इसने इस टॉपिक पे थोड़ा सा टफ भी पूछा या अच्छा क्वेश्चन पूछा तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में से पूछेगा, उससे आगे जाएंगे नहीं जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ो। यस सर। इसमें एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं एक बार ट्राई करो आप। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ट्राई करो आप। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू कर्व वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी।
ऑन कर इज। क्वेश्चन क्या है आपका? आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एक कर्व है, उस पे ओरिजिन से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कर्व के ऊपर जो टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कर्व का लोकस निकालना है। मैं फिगर से आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। आंसर आप ही को निकालना है। लेट्स अज्यूम करो कि ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का कर्व मैंने बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बना लिया मैंने, जिससे एक्सप्लेन करना मेरे लिए कंपेरेटिव थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। अब क्या किया है, ओरिजिन से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट खींची, तो एक टेंजेंट ये हो गई। दूसरी टेंजेंट आपकी कुछ ऐसी हो गई, तीसरी टेंजेंट कुछ ऐसी सी होगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? चल आंसर दो। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर ये तो डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं हुए, तो इनका लोकस डिफाइंड होगा मतलब? लोकस तो डिफाइन होगा ना, क्योंकि किसी कर्व के ऊपर बन रहे हैं। प्रॉपर्टी ओरिजिन से लाइन खींची है। लोकस का मतलब हमारा पाथ नहीं होता है? लोकस का मतलब पाथ हो गया, तो इन जो कर्व है इन सबको पाथ को ज्वाइन करो, कुछ पैटर्न में बनेगा ना ये कर्व भी। सिमिलरली देखो आगे में निकालोगे, आगे भी ऐसा आएगा, तो एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी आएगा। तो फॉलो हो रहा है ना? हाँ नहीं, मेरा मतलब था, मुझे था कि लोकस जो होता है हमारा लोकस एक कलेक्शन कॉन्टिन्यूअस पार्ट होता कंटिन्यूस, होगा मतलब। तो कंटिन्यूस पॉइंट्स हैं एक पैटर्न में ना। पैटर्न क्या है आपका, ये ओरिजिन से टेंजेंट खींचिए ये पॉइंट, फिर नेक्स्ट आपका ये पॉइंट, फिर नेक्स्ट आपका ये पॉइंट, फिर नेक्स्ट आपका ये पॉइंट, क्योंकि कंडीशन भी तो मिल रही है ना यहाँ पे। तो सर्किल में करते थे यहाँ पे, इससे फिक्स डिस्टेंस थी। इलिप्स में पढ़ते हैं, हाइपर पैराबोला में पढ़ते हैं, तो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से डिस्टेंस है, वो दो दो के रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये सारे जो होंगे ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट तो डिस्क्रीट ही हो रहे हैं ना, यहाँ पे आ रहे हैं। फोकस तो कुछ बनाएंगे ये भी। चलो मैं बता देता हूँ, याद है मैंने लोकस बताया था, लोकस कैसे निकालते हैं। स्टेप वन हमने ये बोली थी, सबसे पहले उस कर्व के ऊपर पॉइंट अज्यूम करो, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कोमा के। अच्छा ये बताओ, सेकंड बैच आप लोगों की 2D ज्योमेट्री हो गई क्या? ये स्ट्रेट लाइन और ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, न्यू बैच। स्ट्रेट लाइन, पॉइंट और सर्कल, ये आपका हो गया कि नहीं हुआ है? बैच हाँ सिक्स सर, ठीक है, नहीं मैंने करवाया वो अलग है, लेकिन एक शायद आशीष सर ने भी करवा दिया ना आप लोगों का, या नहीं हुआ अभी? हाँ सर, सर्कल्स तक हो गया है। सर्कल तक हो गया, ठीक है फिर कोई इश्यू नहीं है। तो लोकस के लिए क्या निकाला था, ये पॉइंट अज्यूम करते थे पी एच कोमा के, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले ये निकाल दिया। अब ये क्या है आपका, मुझे इन सारे पॉइंट्स का मुझे लोकस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपका, ये चूंकि कर्व पॉइंट लाइज ऑन कर्व, तो उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब के इज इक्वल्स टू साइन एच, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी चीज, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, मतलब एम की वैल्यू क्या जाएगी, डीवाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपके, क्या जाएगा आपका, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, कॉस एक्स। तो मतलब बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एच कॉमा के, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी कॉस एच, और ये वैल्यू क्या आपकी एम की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, जब भी लोकस निकालना होता है जो पैरामीटर हम लोग लेते हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ता है कंडीशन का यूज करते हैं। तो ये आपकी क्या टेंजेंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, याद है आप लोगों को 2 पॉइंट्स में स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपको पता है कि एम ओ पी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी होती है आपकी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मतलब के बाई एक्स स्लोप ये भी है और ये भी स्लोप है, तो किसी भी लाइन की
पॉइंट पे दो स्लोप तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी आपकी, कॉस एच इज इक्वल टू के अपॉन एच, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अब याद करो कंडीशन क्या बोला था, लोकस निकालने के लिए मुझे एच और के उसी के टर्म्स में मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जितने भी पैरामीटर्स है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब पैरामीटर कौन है, साइन एच है और कॉस एच है। साइन एच कॉस एच को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करूंगा आपका, साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच इजिकल्स टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका, एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इजिकल्स टू 1। तो इनडायरेक्टली एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर के स्क्वायर, तो बोलूंगा 4 लॉकस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इन सारे करों का आपका लोकस आएगा। क्या किसी स्टूडेंट का था आंसर? नोट कर लो। एक लॉजिकल क्वेश्चन और दूंगा जो आईआईटी में आया है, मैं चाह रहा हूँ एक बार सोच के आओ, ये होमवर्क दे रहा है मैंने, आसान है मुझे लगता है बन जाएगा आप लोगों से। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन मोड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 मोड ऑफ एक्स प्लस ए। हैव नो सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था दो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये और ये एल्जेब्रिक है, तो उन दोनों के कर्व के सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, जब दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करें। अब यहाँ पे बोला कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब एक ही केस होगा जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ और ये आपका एल्जेब्रिक ग्राफ ये दोनों एक भी जगह पे कट नहीं करे, तो उस इंटरवल में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल है, ट्राई करना आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीजीडीबी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है इस टॉपिक से, और यदि टेंजेंट नॉर्मल पे आएगा तो चांसेस है कि इस टॉपिक से पूछा जा सकता है दोबारा भी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो कोई भी दो कर्व है उन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो बताया जाता है उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उन दोनों कर्व के ऊपर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, और टेंजेंट मतलब दो स्ट्रेट लाइन होगी, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू कर्व्स होगा। तो मैं इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन बाई द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब मैंने बोल दिया ये कोई कर्व है, ये कोई C1 कोई कर्व है, और लेट्स सिम करो ये कोई C2 कर्व है, तो उन दोनों का ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट खींची ये, और उस दूसरे कर्व के ऊपर टेंजेंट खींची ये, तो उन दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। अब दो लाइन के बीच में आपको पता है कि दो लाइंस होते हैं उनके बीच में एंगल होता है, एक थीटा होता है और दूसरा आपका पाई माइनस थीटा। तो मतलब एंगल मैं क्या बोलूंगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के लिए मैं मॉडुलस लूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन बाय इज गिवन बाई या फिर डिफाइंड एज, ये भी बोल सकता हूँ, डिफाइंड एज द एक्यूट एंगल बिटवीन
देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बताओ जनरल केस में, आप लोगों से पूछूंगा जनरल केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालेंगे। आसान है, आई थिंक काफी लोगों को आता भी है। मैंने सर्किल के केस में स्टैंडर्ड बताया था, याद है? सर्किल के केस में मैंने बताया था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल, रिजल्ट याद है किसी को? सृष्टि, tan theta equals mod of m1 minus m2 upon 1 plus अरे m1. पागल लड़की, ये नहीं बताया था, एक डायरेक्टली बताया था। वैभव बताओ आप, आपको याद है शायद? देवरंगा, सर r1 square plus r2 square minus r1 r2 divided by 2 r1 r2 ऐसा कुछ था कोसाइन फॉर्मूला से, कोसाइन कोसाइन फॉर्मूला, फॉर्मूला बेसिकली. हाँ हाँ सही है। और उसमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी भी बताई थी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, संयम, याद है आपको? किसी को याद है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी? दो सर्किल टू पर, जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू का सी वन प्लस टू. ठीक है, वेरी गुड। 2g1g2 प्लस 2f1f2g+2c1+c2। अब क्या था, सर्किल तो एक स्टैंडर्ड कर्व था, तो सर्किल के केस में हम डायरेक्टली निकालेंगे उस फॉर्मूले से। और मान लो यदि सर्किल पैराबोला हो गया, बाकी सारी चीज हो गई, स्टैंडर्ड कर्व में हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो थोड़े से अलग से कर्व दे दिए, मान लो अजीब 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 सी इक्वेशन दे दी, या फिर मान लो थोड़ी सी एक इलिप्स दे दिया बड़ा सा, या सर्किल दे दिया जनरल वाला, तो उस केस में मुझे निकालना है। या फिर मान लो लॉग में दे दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, तो उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो इस कंसेप्ट से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या होगा, हम कभी भी जनरल मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इन केस कोई जनरल मेथड पूछे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स क्या निकालेंगे, तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या बोल दिया, लेट्स ज़ूम करो, x1, y1 निकालूंगा, और मैं क्या करूंगा, एट पॉइंट पी फाइंड स्लोप ऑफ देयर टेंजेंट्स, स्लोप्स ऑफ देयर, स्लोप ऑफ बोथ कर्व्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स या स्लोप ऑफ बोथ कर्व्स। और ये कैसे निकलेगी, ये डिफरेंशिएटिंग से निकलेगी। तो मैं क्या बोलूँ, m1 मैंने बोल दी है dy/dx, कर्व वन है एट पॉइंट p, और m2 मैंने बोल दी है आपका dy/dx एट कर्व टू और पॉइंट p। अब m1 आ गया, m2 आ गया, तो उसके बीच में एंगल बोलूंगा टेन थीटा, एक्यूट एंगल लेना है इसलिए मोड ले लिया, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली आपका निकाल सकता हूँ टेन थीटा। ये क्या है आपका जनरल केस। अब जितने भी स्टैंडर्ड कर्व हैं 2D में, जो स्टैंडर्ड कर्व है वहां पे वही मेथड यूज करेंगे जो हम लोग को 2D में डिस्कस किया जाता है। जैसे सर्किल में स्टैंडर्ड होता है, तो सर्किल में हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड यूज करेंगे। इलिप्स पैराबोला आ गया, इलिप्स सर्किल आ गया, तो हो सकता है ये वाला मेथड आपके लिए यूजफुल हो जाए, लेकिन वहां पे भी आपको एक रिजल्ट बताया जाएगा। डायरेक्टली रिजल्ट बताया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मेथड तो हर कर्व के लिए, दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर ऑल कर्व। पर ये लेंदी जाएगा, ये लेंदी जाएगा, वहां पे आपका क्या डायरेक्टली निकाल रिजल्ट देते हैं। इस टॉपिक में मुझे पता है कि कुछ बच्चे उतने कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2D का काफी ज्यादा यूज है, 2D का तो यूज है। तो 2D एक बार जब पढ़ लोगे, उसके बाद रिवाइज करोगे, तो चैप्टर में कंपेरेटिवली थोड़ा सा और ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें 2D का इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, इनफैक्ट बाकी किसी भी चैप्टर का यूज नहीं होगा। थोड़ा बहुत फंक्शन का बेसिक यूज होगा और ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा हो गया है, फंक्शन मुझे लगता है सबको आता ही है, तो बाकी आप चैप्टर्स जितने भी आने वाले हैं वो सारे आप सह लोगे, अच्छे से कर लोगे। हाँ इसमें करूंगा, तो फिर यही है, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग करते हैं इसमें। सबसे पहले ये कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं इसमें कुछ आगे आगे और कंडीशंस भी मैं बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ो। अच्छा मुझे बताओ कि क्या दो कर्व्स में एक ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं?
और एक से ज्यादा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो क्या हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा या डिफरेंट भी हो सकता है? सर मल्टीपल हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी कई हो सकता जगहों पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कर है। गुड। सर्किल के केस में मैंने क्या बोला था कि जितने भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो सेम होते हैं, क्यों? क्योंकि सर्किल में सिमेट्री होती है पूरी पूरी। दो कर्व है, जिस पॉइंट पे एक पहले कट करेंगे उसी का सिमेट्रिकली दूसरे पॉइंट पे कट करेंगे, तो दोनों जगह पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो सकता है। लेकिन मान लो दो रैंडम कर्व दे रखे, रैंडम कर्व मतलब जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, एक्सपोनेंशियल में एक कर्व दे दिया, लॉग में कोई कर्व दे दिया, या फिर एक एक्सपोनेंशियल में दे दिया, एक एल्जेब्रिक में दे दिया, या फिर पॉलिनोमियल में इक्वेशन में दे दिया कोई कर्व। अब रैंडम कर्व है तो वहां पे एक से ज्यादा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर कैन बी मोर देन वन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। जैसे मान लो ये कोई कर्व मान लिया, C1। अब कोई दूसरा कोई कर्व, ऐसा कोई कर्व मान लिया, ये कोई कर्व आ गया, तो ये कट कर रहा है किसी पॉइंट P पे भी कट कर रहा है और Q पे भी कट कर रहा है, मान लो कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे मान लो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो ये एक टेंजेंट निकाल दी और एक टेंजेंट निकाल दी, तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम करो θ1 है, यहाँ पे एक निकाल दी और यहाँ पे निकाल दी θ2 आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि θ1 और θ2 सेम हो, ये आपका क्या है, नॉट नेसेसरी। ये डिपेंड करेगा उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, ये डिपेंड करेगा ज्योमेट्री या फिर सिमेट्री। और सिमेट्री, यदि सिमेट्रिकल हुआ तो उस केस में दोनों सेम हो गए, यदि सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में डिफरेंट हो गए। तो ऐसे केस में दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, दोनों पॉइंट पे दोनों की स्लोप निकालनी पड़ेगी, उससे दोनों पे एंगल निकाल सकते। या फिर इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के, बेस्ट अप्रोच होती है ग्राफ प्लॉट करो। जितने भी 2 डिग्री कर्व्स हैं जिनके ग्राफ्स मुझे ऑलरेडी आते हैं, पैराबोला के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, इलिप्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके और ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या करूँ, उनको ऑब्जर्व किया, क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं आंसर दूंगा। इसकी एक मैं प्रॉपर मेथड बताऊंगा, एक काफी फास्ट अप्रोच भी मैं बताऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर बिना मेथड किए हम आंसर दे सकते हैं, और इनफैक्ट काफी क्वेश्चंस में हम लोग आंसर देंगे। आज टाइम नहीं बचेगा, वो हम लोग कल ही डिस्कस कर पाएंगे। एक दो नोट और लिखना है, नोट में एक और लिख देता हूँ। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व एट ए पॉइंट इज 90 डिग्री, देन कर्व्स आर सेड, क्या कर्व्स को ऑर्थोगोनली बोलूंगा या फिर कुछ और बोलूंगा उस केस में? एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, तो क्या दोनों कर्व को ऑर्थोगोनल बोल दूं या फिर क्या बोल सकता हूं उस केस में? और कोई भी ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल कहां से आ गया, ऑर्थोगोनल तो होता है। ठीक है, उस केस में क्या बोलूंगा, ऑर्थोगोनल एट दैट पॉइंट, जिस एक पॉइंट पे है, मतलब मान लो ऐसा है, मैं क्या बोलूं, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व एट पॉइंट इज 90 डिग्री, देन कर्व आर सेट टू इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली ऑर्थो नॉर्मल दोनों एक ही बात है, एट दैट पॉइंट। अब लेट्स ज़ूम करो, यहां पे इसी एग्जांपल में मैं बोलूं कि मान लो θ1 की वैल्यू 90 डिग्री है और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आपका कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट पी। अच्छा, अब दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल कब बोलूंगा, दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल कब बोलूंगा,
जब जितने भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो और हर जगह पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में कर्व को ऑर्थोगोनल बोलूंगा, या फिर सिर्फ एक ही पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है और उस केस में एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में मैं ऑर्थोगोनल बोलूंगा। तो सेकंड पॉइंट, इफ ऑल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स आर 90 डिग्री, देन कर्व्स आर सेट ऑर्थोगोनल। अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन में करा देता हूँ, बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग कल कर पाएंगे, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसकी एक शॉर्ट तरीका अप्रोच भी मैं कल बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा इसी टॉपिक को। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो पढ़ा पढ़ा है, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब देखो ये दोनों पैराबोला है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 2D में भी करवाया जाएगा पैराबोला के केस में। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं बना, अच्छा नहीं बना, ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो क्लियरली दिख रहा है, फिगर बनाने से मुझे दिख रहा है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट P पे और एक Q पे। अब P के ऊपर टेंजेंट खींचूंगा तो इसकी टेंजेंट ये होगी और ये Q की टेंजेंट होगी, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा एट P, ये तो क्या जाएगा 90 डिग्री, मुझे ज्योमेट्रिकली स्ट्राइक हो गया। लेकिन जिसे को ज्योमेट्रिकल स्ट्राइक नहीं हो तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, इक्वेशन से 100% पता चल जाएगा। अब मुझे ये क्यू क्यू पॉइंट पे मेरे को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मेरे को क्यू निकालना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूँ या कंबाइन इक्वेशन बना लूँ, तो क्या करूँ, एक्स इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर बाई 4, ये रख दी, ये इसमें रख देता हूँ, तो x की जगह रख दिया मैंने y स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो क्या जाएगा y की पावर 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू वाई, जिससे कि आपका y से y कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 0 और y क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो मतलब y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 और y इज इक्वल टू 4 के करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कर्व सेम है, ठीक है? तो 0,0 एंड 4,4, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो दोनों पे मुझे एंगल निकालना है। अब क्लियरली दिख रहा हूँ, इस पे निकालूंगा तो इस पे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी इक्वेशन से, मेरा एम बस इसके ऊपर निकालना है। तो इसके ऊपर निकालने के लिए मुझे दोनों की स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका कर्व है, इसको क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या कर दिया आपका 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4, तो dy by dx की वैल्यू आ गई आपके पास 2 अपॉन y, तो मैं m1 की वैल्यू बोल सकता हूँ dy by dx एट पॉइंट p 4,4, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2/4, मतलब आपके क्या जाएगी 1/2। सिमिलरली दूसरा जो कर्व दे रखा है, ये दूसरा कर्व क्या दे रखा है आपका, x square इज इक्वल टू 4y है, इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 4 dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू आ गई है आपकी x अपॉन 2, तो मैं बोल सकता हूँ m2 की वैल्यू क्या जाएगी dy/dx एट पॉइंट 4,4, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। तो क्लियरली एक स्लोप 2 है, एक 1/2 है, तो उनके बीच में एंगल बोल सकता हूँ tan थीटा की वैल्यू बोल सकता हूँ 2 - 1/2 अपॉन 1 + 2 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 4 - 2, तो आपका क्या जाएगा 3/2 अपॉन ये क्या जाएगा आपका 4/2, तो इनडायरेक्टली थीटा की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स 3/4, और यही इसका क्या होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था इस टाइप का, किसी ने किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाला। यस नो बोलो।
क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करते हैं और मोनोटोनिसिटी भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट टाइम में। 10 to 15 मिनट्स मुझे इसमें लगेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी मैं इसमें स्टार्ट कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।